सो जस्ट अ शॉर्ट नोटिस, अगर आपको नहीं मालूम कॉपीराइट क्या है, तो कॉपीराइट एक ऐसी चीज़ है जब भी आप किसी का ऑडियो या किसी का म्यूजिक लेते हो तो आपको आती है। वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, आई होप यू आर डूइंग एक्सट्रीमली गुड। थोड़े दिन पहले मेरे को अपना फर्स्ट एवर कॉपीराइट क्लेम मिला। थोड़ा बुरा लगता है बिकॉज जब भी आप एक वीडियो बनाते हो, वो अलग बात है कि मेरे को ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ता कॉपीराइट क्लेम से, लेकिन डेफिनेटली अगर मैं पैसे कमाना रहता या मेरा जो मोनेटाइजेशन था वो एक्टिव रहता तो मेरे पैसे ज़रूर जाते। लेकिन मेरे को खाली इतना बोलने का था कि 75 सब्सक्राइबर्स पे मेरे को अपना पहला कॉपीराइट क्लेम मिला। इसके लिए इट फील्स लाइक मेरे को मेरे फर्स्ट कॉपीराइट क्लेम पे खाली इतना बोलना है दैट आई एम डैम हैप्पी। वेट, जब भी मैं पहले आया ऊपर, आई मीन जब भी बारिश हो रही थी, जब भी मैं पहले आया बारिश बंद हो गई। अब ये आज ही नहीं हुआ मेरे साथ, कल भी ऐसा ही हुआ कि जब भी मैं गया बारिश चालू थी, मैं ऊपर भीगने आया बारिश बंद हो गई। एक बात बता, तू मेरे साथ मजाक कर रहा है? इस बार नहीं, हमेशा मेरे साथ होता है कि जब भी मैं ऐसा करता हूँ ना तो बारिश बंद हो जाती है। कुछ तो गड़बड़ है, पता लगाओ। नाउ लेट्स कम टू द टॉपिक कि ये वीडियो किस पे बेस्ड है। नाउ मेरा जो फर्स्ट कॉपीराइट क्लेम था वो थोड़ा सा मेरे लिए खुशी भरा था बिकॉज 70 सब्सक्राइबर्स से मेरे को मेरा पहला आया कॉपीराइट क्लेम। स्टार्टिंग में मैं पता क्या सोचता था कि जब भी आपको क्लेम कभी आता है मालूम है कि जब भी आप एक अच्छी पोजीशन पे रहते हो यूट्यूब के या आपका चैनल थोड़ा अच्छा रहता है इसके लिए, बट इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स नॉट टाइम ऐसा नहीं होता बिकॉज। और एक मेरा जो वीडियो जो नया है वी मेट अगेन वाला वीडियो है, वो जैसे मैंने ये अपलोड दबाया, ठीक है, ये मैंने अभी मैंने वो सब डाला, टाइटल डिस्क्रिप्शन डाला, ये मैं जैसे अपलोड दबाया वैसे ही मेरे को आ गया कॉपीराइट। सच में यार 2 मिनट के बाद भी कॉपीराइट क्लेम आता है, हद है भाई हद। कोई इंटेंशन नहीं था कि कोई कॉपीराइट क्लेम को मैं अट्रैक्ट करूं, लेकिन एक टाइम मेरा चैनल उस पोजीशन में था जब भी मेरे को एक ऐसा वीडियो चाहिए था जहाँ लोग मेरा वीडियो ज़्यादा देखे या एक वो लोग को एक इंटरेस्टिंग टॉपिक मिले। इसके लिए मैंने अपना वीडियो शूज़ पर बनाया। शूज़ पे बनाने के लिए जब भी आपको ऐसा ऑब्जेक्ट या कोई भी ऐसी एक चीज़ पे बनाते हो तो यू नीड अ गुड साउंड इफेक्ट टू मेक इट अट्रैक्ट। I got my first ever copyright claim on my this video shoes in cheap price. एक मैंने डाला था sound which was this, और इसका मेरे को copyright आया ये वाले पे। मेरा सेकेंड कॉपीराइट क्लेम है वो है ये वाले पे, जो ये मैंने 2 मिनट डाला, अपलोड किया और 2 मिनट में मेरे को कॉपीराइट क्लेम आ गया। एंड दिस वॉज फ्रॉम दिस बिकॉज मैंने एक ऐसा साउंड यूज़ किया था और ये वाले वीडियो पे मेरे को कॉपीराइट आ गया। ट्रैफिक ट्रैफिक ट्रैफिक, मुंबई की ट्रैफिक। सो ये थी मेरी कॉपीराइट की स्टोरी, इतनी बड़ी स्टोरी छोटे से वीडियो में। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन मेक श्योर यू, और आज मैं और एक चीज़ बोलूँगा कि सब्सक्राइब के साथ वो जो नीचे बेल वाला आइकन है ना उसको भी फोड़ दो, बिकॉज बहुत बार क्या होता है आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलता और आप नहीं देखते हो मेरा वीडियो। एंड दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और थोड़ा ज़्यादा एफर्ट लेके बेल आइकन दबा देना। नाउ आई एम नॉट श्योर कि आगे मेरे को कितने और ऐसे कॉपीराइट्स आएंगे, डेफिनेटली आएंगे तो सही, लेकिन कौन से वीडियो पे आएंगे, कितना आएगा वो मेरे को कुछ नहीं मालूम। कॉपीराइट बारिश की तरह है, ऐसा बिना बताए आ जाता है। इसके लिए कभी कभार क्या होता है ना, आप जब ये अपलोड कर दो तो आ जाता है, और कभी कभी ना बहुत टाइम होता है ना फिर भी आता है, लेकिन आता है। आपको मालूम है कॉपीराइट क्या है? झूठ बोल रहे हैं। बाय।
drop the beat.